नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आ चुके हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे सभी मुख्य समाचार आप तक। दोस्तों आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे, लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। खबरों में बढ़ने से पहले, अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि लोकतंत्र की भलाई के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए नीतीश कुमार की पार्टी JDU और यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी TDP को राहुल गांधी का समर्थन करना चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में दोस्तों #VSupportRahulGandhi जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली और सबसे बड़ी खबर बताते चलें। जी हां दोस्तों, भाजपा ने अपना पुराना वाला खेल शुरू कर दिया है। जी हां दोस्तों, भाजपा की फितरत है कि वो जिस भी पार्टी से हाथ मिलाती है उस पार्टी को तोड़ के रख देती है, कई धड़ों में बांट देती है या फिर उसके सांसदों विधायकों को ही तोड़ देती है। इसी क्रम में खबर आ रही है आंध्र प्रदेश से। जी हां दोस्तों, YSRCP के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को BJP विलय करवाना चाहती है। जगन मोहन रेड्डी को BJP के साथ जाने का अब यहां पर परिणाम मिल रहा है। लगातार हर मौके पर देख सकते हैं कि जगन मोहन रेड्डी जब मुख्यमंत्री थे तब यहां पर दिल्ली में हर मौके पर समर्थन करते थे BJP का, लेकिन 2024 में क्या हुआ, BJP और यहां पर चंद्रबाबू नायडू ने मिलकर के YSRCP का सोपड़ा ही साफ कर दिया विधानसभा और लोकसभा में। यानी कि देख सकते हैं कि जगन मोहन रेड्डी जो भाजपा का साथ देते थे उन्हीं की पार्टी का सोपड़ा साफ कर दिया है, और अब खबर आ रही है कि उनकी जो पार्टी के सांसद हैं लोकसभा के और राज्यसभा के, उनको ही तोड़ने की तैयारी भाजपा ने कर ली है। और कुछ ऐसी ही खबर सूत्रों के अनुसार आ रही है दोस्तों यहाँ पर बिहार से। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर नीतीश कुमार NDA के समर्थन में फिलहाल तो खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन कब तक खड़े रहेंगे कुछ भी कह पाना यहाँ पर मुश्किल नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता IP सिंह ने कहा बहुत जल्द JDU में तख्ता पलट होने जा रहा है, इसकी मुकम्मल तैयारी BJP ने पूरी कर ली है। यानी कि दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता IP सिंह ने साफ तौर पर कह दिया है कि जल्द ही यहां पर BJP JDU को भी तोड़ने की पूरी तैयारी कर चुकी है, और जल्द ही JDU को भी तोड़ेगी BJP, उसके सांसदों और विधायकों को अपने पाले में करेगी, ये यहां पर कहना है IP सिंह का। दोस्तों BJP का पुराना वाला खेल शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, इसी क्रम में सोशल मीडिया पर मांग उठ रही है कि अभी भी देर नहीं हुई है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को संभल जाना चाहिए और यहां पर इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन देना चाहिए और एक लोकतांत्रिक सरकार बनानी चाहिए। आप लोग यहां पर इस मांग से सहमत हैं या नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा। अगर सहमत है तो वीडियो को लाइक करके अपना महत्वपूर्ण समर्थन भी दर्ज करवा सकते हैं। इसके साथ ही दिल्ली से खबर आ रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक शुरू हो गई है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिक अर्जुन खड़गे, पार्टी सांसद राहुल गांधी, पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी जैसे यहां पर तमाम पार्टी के अन्य दिग्गज नेता बैठक में मौजूद रहे हैं। और बैठक में यहां पर एक मांग प्रमुख तौर पर उठी है कि राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनना चाहिए यहां पर। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, NDA सरकार का गठन होने जा रहा है, और वहीं यहां पर फूट साफ तौर पर नजर आ रही है। JDU और यहां पर TDP की नजर स्पीकर, गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय जैसे यहां पर प्रमुख विभागों पर टिकी हुई है। जी हां दोस्तों, NDA में ED को लेकर के घमासान देखने को मिल रहा है। चंद्रबाबू और नीतीश दोनों ने मांगी है ED की कमान, यानी कि गृह मंत्रालय। यहां पर दोनों ही पार्टियों को चाहिए है, मोदी सरकार के लिए ED जरूरी है। यहां पर माना जा रहा है कि मोदी सरकार किसी भी कीमत पर गृह मंत्रालय नहीं देगी किसी भी पार्टी को। NDA में ED को लेकर के घमासान देखने को मिल रहा है, मोदी सरकार के लिए ED जरूरी है, सहयोगी भी अड़े। यहां पर बढ़ चुका है टकराव, मोदी सरकार के कार्यकाल में सबसे ज्यादा चर्चाओं में रही है ED, और अब यहां पर JDU और TDP भी चाहती है कि ED की कमान उनको मिले यहां पर, लेकिन भाजपा इसके लिए तैयार नहीं हो रही है और ना ही शायद स्पीकर का पद देने के लिए तैयार हो रही है। ये दोनों ही चीजें बेहद ही महत्वपूर्ण होती हैं दोस्तों, सरकार में एक गृह मंत्रालय और दूसरा रक्षा मंत्रालय, और यहां पर स्पीकर का पद भी काफी महत्वपूर्ण होता है।
इसके साथ ही दोस्तों उत्तर प्रदेश से बेहद ही चौंकाने वाली खबर सामने निकल के आ रही है। जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन की यूपी के अंदर आंधी चली, तो वहीं योगी सरकार की नींद ही उड़ चुकी है। जी हां दोस्तों, उनसे हार की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा जा रहा है। और बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं यूपी के अंदर, उन्होंने तो इस्तीफे तक की पेशकश कर दी है। अब आप लोगों को यहाँ पर कुछ ऐसे आंकड़े बताते चले जो शायद ही आपको कोई बताए यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, लोकसभा में तो इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है, लेकिन लोकसभा में यहाँ पर जैसा वोट पड़ा है, अगर इसी को विधानसभा में कन्वर्ट कर दिया जाए तो आंकड़े दोस्तों क्या कहते हैं, किस पार्टी की सरकार बनेगी या किस गठबंधन की सरकार बनेगी, आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर एनडीए का बहुमत जा सकता है साफ तौर पर। अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों को विधानसभा के आंकड़ों में तब्दील किया जाए सीटों के लिहाज से, तो योगी सरकार जा रही है, अखिलेश की सरकार आ रही है, एनडीए को 181 सीटों पर यानी कि 181 विधानसभाओं में बढ़त मिली है, बीजेपी को 169 विधानसभाओं में मात्र बढ़त मिली है, आरएलडी को 8। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, अपना दल यहां पर जो है उसको 4 विधानसभाओं में बढ़त मिली है, और इंडिया गठबंधन को प्रचंड बहुमत यानी कि 217 सीटों पर बढ़त मिली है विधानसभाओं में। समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी विधानसभा में भी बन रही है, अगर इन्हीं नतीजों को यहां पर कन्वर्ट किया जाए विधानसभा सीटों के लिहाज से, 178 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे नजर आई है, कांग्रेस पार्टी 38 सीटों पर, टीएमसी 1। यानी कि देख सकते हैं कि अखिलेश यादव की आंधी में इस बार लगता है कि प्रदेश के अंदर भी सत्ता परिवर्तन देखने को मिलेगा साफ तौर पर, ये आंकड़े यही बयां कर रहे हैं। इतना ही नहीं, टीडीपी ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं एनडीए की, मुस्लिम आरक्षण सामाजिक न्याय के लिए है नारा लोकेश का कहना है, टीडीपी के नेता हैं। जी हां दोस्तों, अभी मोदी जी ने शपथ भी नहीं ली है, चंद्रबाबू नायडू के बेटे और टीडीपी के नेता नारा लोकेश ने पेगासस फोन हैकिंग मामले का मुद्दा उठा दिया है और कह रहे हैं कि जांच होगी। लोकेश कहते हैं इस साल अप्रैल में भी उनके फोन पर पेगासस से अटैक हुआ था और इसकी जांच होनी चाहिए। यानी कि जेडीयू और टीडीपी ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिससे यहां पर भाजपा पूरी तरह से बैकफुट पर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, बताते चले, इस तारीख से शुरू हो सकता है 18वीं लोकसभा का पहला सत्र, राष्ट्रपति करेंगे सत्र की औपचारिक शुरुआत। आप लोगों को बताते चले, प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण के बाद 18वीं लोकसभा का पहला सत्र जून के तीसरे सप्ताह में आयोजित किया जा सकता है। सरकार से जुड़े सूत्रों ने इस बारे में जानकारी दी है, उन्होंने बताया है कि सत्र की शुरुआत नए सांसदों के शपथ ग्रहण से होगी। सभी सांसदों के शपथ ग्रहण में 2 दिन का समय लग सकता है। इसके बाद नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। इसके अगले दिन राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को संबोधित कर सत्र की औपचारिक शुरुआत यहां पर करेंगी। ये इस समय की दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आए जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को अपने सभी दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।